तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो टिकी यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हिडन फीचर बताएंगे टिकी के बारे में, कुछ ऐसे सेटिंग्स बताएंगे जिसके बारे में शायद आप सभी को अभी तक नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में आपको टिकी ऐप के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वीडियो के एंड तक बना रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं आप सभी को 5-6 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप सब जान जाते हो तो आपको टिकी ऐप चलाने में और आसान होगा और मजा देगा आपको टिकी ऐप चलाने में। तो चलिए चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर आपको 5-6 सेटिंग बताते हैं। मोबाइल के स्क्रीन और टिकी एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद ये हमारा अकाउंट है दोस्तों, हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है टिकी एप्लीकेशन पे अपना खुद का। तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। आप मुझसे यहाँ से कोई भी आपका सवाल हो तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज में कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इस अकाउंट पे आ सकते हो। या फिर इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा, आप वहाँ पे भी मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। कुछ फर्स्ट सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए कोई बंदा यदि आपको परेशान करता है, कोई कमेंट गंदा कमेंट करता है अपने वीडियो पर, किसी को आप ब्लॉक करना चाहते हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि वो बंदा मेरा वीडियो ना देखे, तो आप उसे ब्लॉक कैसे कर सकते हो, किसी के अकाउंट को ब्लॉक कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे फॉलोअर्स पे हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए इस अकाउंट को हमें ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ब्लॉक करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट का आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको नीचे में सबसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रिपोर्ट एंड एक बगल में ब्लॉक का बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस ब्लॉक वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक, और इसका नाम दिखा रहा है इस आईडी का, जिस भी बंदा का ये आईडी है। और यहाँ पे ब्लॉक के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और हमको ये फॉलो किया है तो हमारे फॉलो से भी ये हट जाएगा, मतलब कि हमारा फॉलो रिमूव हो जाएगा गाइस। जैसे ही ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये बंदा ब्लॉक हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी को भी ब्लॉक करना चाहते हो यदि टिकी एप्लीकेशन पे, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। आपको उसका वीडियो कभी नहीं दिखाएगा और ना ही वो आपको ढूंढ पाएगा। ब्लॉक तो इस तरह से कर देंगे, और मान लीजिए फिर से हमें उसे अनब्लॉक करना होगा तो हम अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ और आपको बता देता हूँ वो भी। जैसे कि हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको। नीचे में सेटिंग का बटन देख रहे हो, वहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद प्राइवेसी वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी लोगों को आप ब्लॉक करके रखे हुए रहोगे उनका नाम यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा कि आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हो। सो आप यहाँ से उसे अनब्लॉक कर सकते हो। तो ब्लॉक और अनब्लॉक मैंने आपको बता दिया। दूसरे फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, और सबसे पहले जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप किसी के वीडियो को लाइक करते हो अपने अकाउंट से, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 14 वीडियो को लाइक किया है, जो लोग भी मेरे प्रोफाइल पे आएंगे वो मेरा यहाँ पे वीडियो देख पाएंगे सिर्फ, और यहाँ पे लाइक नहीं देख पाएंगे। फिलहाल अभी तो लाइक देख पाएंगे, मैंने लाइक को प्राइवेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लाइक को प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिश भी रहने दे सकते हो। तो हमारा यहाँ पे पब्लिश है अभी, मतलब कि हमारा वीडियो भी कोई देख सकता है कि हमने कितनी वीडियो अपलोड की है, और हमने अपने अकाउंट से कौन कौन लोगों को लाइक किया है, कितना लाइक किया है अपने अकाउंट से। सो यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो मेरे अकाउंट पे जाकर। तो मैंने अभी पब्लिश रखा हुआ है। तो आप इसे प्राइवेट करना चाहते हो तो इसे कैसे प्राइवेट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को ये प्राइवेट करना होता है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है, उसके बाद प्राइवेसी पे फिर से क्लिक करना, और इसके बाद आप जैसे देखने को मिल जाएगा हु कैन व्यू माई लाइक लिस्ट, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने एवरीवन सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। एवरीवन यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा है, जैसे कि आपको येलो का टिक देखने को मिल रहा है एवरीवन पे। अब ओनली मी कर देंगे तो हमारा कोई नहीं देख पाएगा कि हमने किस किस बंदे का वीडियो लाइक किया है, कितना वीडियो लाइक किया है टिकी ऐप पर अपने अकाउंट से। और फ्रेंड्स कर देंगे तो जो लोग को हमने फॉलो किया रहेगा और वो बंदा हमें फॉलो किया रहेगा, और सिर्फ वही लोग देख सकते हैं मेरी लाइक की संख्या कि मैंने किसको लाइक किया है। ओनली मी कर देंगे तो सिर्फ हम ही देख सकते हैं। तो हमारा एवरीवन है, तो फिलहाल एवरीवन ही रहने देते हैं गाइस, ठीक है। फीचर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आपका मोबाइल डाटा ज़्यादा यूज होता है, खर्च हो जाता है टिकी एप्लीकेशन यूज करने में, वीडियो देखने में आपका डाटा ज़्यादा यूज हो जाता है, तो आप अपने डाटे को कैसे बचा सकते हो, डाटा सेवर ऑन करके अपने अकाउंट से। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, तीसरे नंबर पे वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑटो पे रहेगा, ठीक है, ये पीले रंग का निशान ऑटो पे रहेगा। तो यदि आपके ऑटो पे रहता है तो आपका डाटा जो है ज़्यादा खर्च होगा। आप यदि HD पर आप क्लिक करके रखते हो तो फिर भी आपका डाटा जो है ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन यदि आप डाटा सेवर ऑन कर देते हो तब यहाँ पे आपकी डाटे की बचत हो जाएगी। तो हमने डाटा सेवर ऑन करके रखा था अपने अकाउंट में, यदि आपका भी डाटा ज़्यादा खत्म हो जाता है तो आप ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, डाटा सेवर इनेबल कर सकते हो अपने टिकी अकाउंट पे, जिससे कि आपका मोबाइल का डाटा बच सकता है। अगला फीचर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिक्योरिटी को लेकर है, आप अपने अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हो। उसके लिए 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करना, नीचे में सेटिंग का बटन दिख रहा हूँ वहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद अकाउंट का ऊपर में ही बटन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद लिंक अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा। यदि आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे गलती से भी,
तो आपका अकाउंट जो है मिस्टेक से डिलीट भी हो सकता है। तो आपको लिंक अकाउंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे यदि आप लिंक अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपको बताएगा कि आपने अपना टिकी अकाउंट किस चीज से बनाया है, मतलब कि ईमेल आईडी से यदि आपने टिकी अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे लिंक दिखाएगा ईमेल आईडी का। मैंने अपना ईमेल से ये अकाउंट को क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे फोन नंबर एंड फेसबुक दोनों लिंक कर सकते हैं। यदि हम दोनों लिंक कर देते हैं तो तीनों को हम लिंक कर देते हैं यदि अपने फोन नंबर से, फेसबुक से, अपने ईमेल आईडी से, तो इसे हमारा अकाउंट जल्दी कोई हैक नहीं कर सकता। यदि कोई हैक भी करता है हमें कुछ टाइम मिल जाता है ज्यादा, जिससे कि हम अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा आसानी होता है उस अकाउंट को रिकवर करने में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों आपको लिंक करके रख लेना है, फोन नंबर को यहाँ पे लिंक कर देना, फोन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक फोन पूछेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर यहाँ से लिंक हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेटिंग के लिए हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से प्राइवेसी के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है हमारा कि आप अपने वीडियो का कमेंट ऑफ कर सकते हो, मतलब कि आप जो वीडियो अपलोड करें अपने टिकी अकाउंट पे, वीडियो पे कोई भी बंदा कमेंट नहीं कर सकता, आप अपनी वीडियो का कमेंट ऑफ कर सकते हो। कहाँ से? वो यहाँ से, जैसे कि आपको देखने को मिला इनेबल अदर टू कमेंट ऑन माय वीडियो, ठीक है, यहाँ पे अभी ऑन है गाइस, कोई भी हमारे वीडियो पे कुछ भी कमेंट कर सकता है। यदि आपके वीडियो पे कोई गंदा कमेंट करता है, चाहते हो कि मेरे वीडियो पे कोई कमेंट ना करे, तो यहाँ पे इस टिक को ऑफ कर देना और यहाँ से जो कंफर्म कर देना, आपका कमेंट ऑफ हो जाएगा, आपके किसी वीडियो पे लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो हम इसे ऑन कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इसमें से कौन से सेटिंग के बारे में पता नहीं था या फिर कौन से सेटिंग के बारे में आप जानते थे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।